हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरविंद और आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं लिथियम बैटरी लगाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, क्या अभी लिथियम बैटरी इन्वर्टर के साथ यूज करना फायदेमंद रहेगा, लिथियम आयन बैटरी या लेड एसिड बैटरी में से कौन सी अच्छी रहती है। इस समय इंडिया में 0.01% इन्वर्टर उपभोक्ता भी अपने इन्वर्टर के साथ लिथियम आयन बैटरी का यूज करने लगे हैं और भविष्य में यह प्रतिशत बढ़ने वाला है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी लेड एसिड बैटरी के मुकाबले कई मायनों में बेहतर है। जैसे लिथियम आयन बैटरी लेड एसिड बैटरी के मुकाबले वजन में कम होती है, चार्जिंग जल्दी होती है, करंट को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लिथियम आयन बैटरी का पावर लॉस कम होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी लेड एसिड बैटरी के मुकाबले बहुत कम होता है। लिथियम आयन बैटरी को मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत आसान है, रिपेयर भी बहुत आसान है, लाइफ साइकिल भी अधिक है। समान एम्पियर की एक लिथियम आयन बैटरी और एक लेड एसिड बैटरी को यदि समान दर से बराबर समय तक चार्ज किया जाए तो लिथियम बैटरी लेड एसिड बैटरी के मुकाबले 1.3 गुना अधिक बैकअप देने की अक्षमता रखती है। इन्वर्टर के लिए यदि हम 150 Ah की एक लिथियम बैटरी और एक लेड एसिड बैटरी लेते हैं तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन इस प्रकार होगा। लिथियम आयन बैटरी C3 या C5 रेटिंग की होती है और लेड एसिड बैटरी C10 या C20 रेटिंग की होती है। 150 Ah की लिथियम आयन बैटरी का वजन 30 से 35 किलो होगा और लेड एसिड बैटरी का वजन 50 से 65 किलो तक हो जाता है। लिथियम आयन बैटरी का मेंटेनेंस जीरो है, उसमें कभी साफ सफाई या कभी वाटर डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती और उसका लाइफ साइकिल 1500 से 2000 तक होता है। लेड एसिड बैटरी आप जानते ही हैं कि बीच बीच में मेंटेनेंस करना पड़ता है, साफ सफाई भी रखनी पड़ती है और पानी एसिड और ग्रेविटी आदि का भी ध्यान रखना पड़ता है और उसका लाइफ साइकिल भी 650 से 850 होता है। इस प्रकार लिथियम आयन बैटरी की लाइफ 5 वर्ष से 8 वर्ष की होती है और लेड एसिड बैटरी की लाइफ 1 वर्ष से 3 या 4 वर्ष तक हो सकती है। और दोस्तों, यदि रीसेल वैल्यू की बात करें तो इस समय इंडिया में लिथियम आयन बैटरी की रीसेल वैल्यू लगभग जीरो है, परंतु वहीं पर लेड एसिड बैटरी की रीसेल वैल्यू उसकी अपनी वैल्यू का लगभग 1/3 मिल जाती है। और दोस्तों, इनके प्राइस की बात करें तो एक 150 Ah की लिथियम आयन बैटरी का इस समय मार्केट प्राइस 25,000 से 35,000 तक हो सकता है और एक लेड एसिड बैटरी का इस समय प्राइस 10,000 से 14,000 के बीच हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपने इन्वर्टर के साथ लिथियम आयन बैटरी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल हम अपने इन्वर्टर के साथ लिथियम आयन बैटरी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु सभी लिथियम आयन बैटरी प्रयोग नहीं कर सकते। केवल वही लिथियम आयन बैटरी प्रयोग कर सकते हैं जिनके मिनिमम वोल्ट 10 और मैक्सिमम वोल्ट 14.5 हो सकते हैं, क्योंकि अधिकतम लिथियम आयन बैटरी के मिनिमम वोल्ट 9 होते हैं और मैक्सिमम वोल्ट 12.6 होते हैं। तो ऐसी लिथियम आयन बैटरी जो हमारे इन्वर्टर के वोल्ट को मैच नहीं करती, हमारे इन्वर्टर के मिनिमम वोल्ट 10 होते हैं और मैक्सिमम वोल्ट 14.5 होते हैं, तो केवल वही लिथियम आयन बैटरी हम प्रयोग कर सकते हैं जो हमारे इन्वर्टर के वोल्ट को मैच करती है। और यदि हम अनमैच लिथियम आयन बैटरी अपने इन्वर्टर के साथ यूज करेंगे तो बैटरी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। इस समय मार्केट में कुछ कंपनियां हैं जो लिथियम आयन बैटरी और लिथियम आयन इन्वर्टर प्रोड्यूस कराती हैं, तो ऐसे लिथियम आयन इन्वर्टर या बैटरी लेकर उपभोक्ता प्रतिबंधित हो जाता है कि जब भी बैटरी खराब होगी उसको उसी कंपनी की बैटरी लेनी पड़ेगी, वह कोई दूसरी बैटरी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अलग अलग कंपनियों का बैटरी इन्वर्टर का मिनिमम वोल्ट और मैक्सिमम वोल्ट
की रेंज अलग अलग है। तो इसलिए दोस्तों अभी मैं आपको अपने इन्वर्टर के साथ लिथियम आयन बैटरी यूज करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी लिथियम आयन बैटरी अपने इन्वर्टर के साथ यूज करना जोखिम भरा हो सकता है, जिसके कई कारण हैं। इंडिया में लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए लिथियम आयन सेल हमें दूसरे देशों से ही परचेज करने पड़ते हैं, और जब तक लिथियम आयन सेल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होंगे तब तक लिथियम आयन बैटरी की रीसेल वैल्यू भी उपभोक्ता को नहीं मिल पाएगी। आगे आने वाले कुछ दिनों में लिथियम आयन सेल और लिथियम आयन बैटरी दोनों ही इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगी और उपभोक्ता को लिथियम आयन बैटरी की रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलने लगेगी। और हो सकता है कि लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली कंपनियां और सरकार मिलकर एक ऐसा मानक तैयार कर लें कि इन्वर्टर के लिए जो लिथियम आयन बैटरी बनेगी उसकी मिनिमम वोल्ट और मैक्सिमम वोल्ट की एक रेंज निश्चित कर दी जाएगी, जिससे उपभोक्ता बैटरी खराब होने से किसी भी कंपनी की बैटरी परचेज करके अपने इन्वर्टर के साथ यूज कर सकेगा। और दोस्तों यदि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा सा जोखिम लेना चाहते हैं तो आप लिथियम आयन बैटरी जिसकी मिनिमम वोल्ट कैपेसिटी 10 हो और मैक्सिमम वोल्ट कैपेसिटी 14.5 हो परचेज करके अपने इन्वर्टर के साथ प्रयोग कर सकते हैं, या लिथियम आयन बैटरी आप स्वयं भी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार एम्पियर और वोल्ट के हिसाब से स्वयं भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। आसानी से मार्केट से लिथियम आयन सेल अलग अलग वोल्ट और अलग अलग एम्पियर में मिल जाते हैं। और कैसे बनाएंगे इसके लिए हमारी एक वीडियो हमारे दूसरे चैनल अरविंद के टेक पर देख सकते हैं और आसानी से एक अच्छा लिथियम आयन बैटरी तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूलें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा कर रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।